बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो क्षीर सागर की जय, बोलो शेषनाग की जय, बोलो नारद मुनि की जय, बोलो गरुड़ बाबा की जय। हे प्रभु, हे माधव, हे हरि, मैं वैशाख महात्म का 14वां अध्याय का पठन शुरू कर रहा हूँ। सुखदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वैसे सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने में लग जाते हैं वे रोरक नरक में जाकर पिशाच हो नहीं पाते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांग कर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण के अंत ग्रहण नहीं करता था। अतः जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्याप्ते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है, अरति दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सूर्यदेहता उत्पन्न होती है। सत्व बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं, परंतु जहाँ साधु महात्मा ने हो, तुलसी ने हो, विष्णु जी का मंदिर ने हो, काला मृग ने हो अथवा कथा नहीं होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था ने तो जिब्बा से विष्णु कथा कहता था, ने कानों से सुनता था, तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए गृह निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समय के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान साच हुआ। आश्रयहीन सुदा से व्याकुल हो उसका कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी वह अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उसे एकतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल कालाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित ध्यान में भटकता रहा। कदाचित दैवयोग से सत्यनिष्ठ पैठानसीपुरी से आया। मार्ग में उसने सुदा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है, तेरी ये दशा कैसे हुई, अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कहीं भी विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन में बन दुख से अत्यंत व्याकुल हूँ। आज मेरा भाग फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण त्राही त्राही करता हुआ चरणों में गिर पड़ा। तब यशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख माध्यम को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि के परिक्रमा और प्रणाम कर दिव्य विमान पर बैठ वैकुंठ लोक विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ में पैठी नसीपुरी को गया तथा बारंबार महात्म श्रवण की चिंता करने लगा। सुखदेव जी बोले, जहाँ सुफल देने वाली सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है
वहाँ सब तीर्थ होने अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है।